भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पहली बार बागेश्वर आगमन पर उनका जोर शोर से स्वागत किया गया तथा भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता भी रखी गई। उन्होंने प्रेस वार्ता में भ्रष्टाचार तथा युवाओं के साथ हुए खिलवाड़ के बारे में बात की। उन्होंने भाजपा सरकार को आम जनमानस की और पारदर्शी सरकार बताया तथा भ्रष्टाचारियों और युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों पर नकेल कसने की बात की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, महेंद्र भट्ट जी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है और देश के प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिवस को हम सब कार्यकर्ता प्रेरणा के रूप में ये कहा है कि उसे सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाए। जन्मदिन तो उपहार लेना एक पद्धति बनी हुई थी, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक एक नागरिक को सेवा के भाव जागृत करने के लिए प्रेरित किया, इस उद्देश्य से सेवा पखवाड़ा हम लोग चला रहे हैं। आज से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हमारे सभी कार्यकर्ता सभी जनपदों में मंडलों में विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य को लेकर अपनी गतिविधियों को प्रारंभ करेंगे। आज बागेश्वर के अंदर रक्तदान शिविर हुआ, प्रदर्शनी लगी और अभी सभी कार्यक्रमों के बीच में गोष्ठी इस बीच में रहेगी। इसी प्रकार कल से स्वच्छता के कार्यक्रम चलेंगे, वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलेंगे, कृत्रिम अंगों का वितरण ये कार्यक्रम चलेंगे, स्वास्थ्य परीक्षण के कार्यक्रम चलेंगे और इसके साथ साथ प्रबुद्ध जनों के बीच में मोदी जी के कृतित्व को लेकर विचार गोष्ठियाँ होंगी और लगातार 2 अक्टूबर को खादी पर मोदी गांधी जी का बहुत एक आग्रह था, इसलिए हम सब ने आग्रह अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि खादी के वस्त्रों को उस दिन हम लोग अधिक संख्या में खरीदेंगे, जिसके कारण जो कृत्रिम जो अपना क्षेत्र है खादी का उसके अंदर बढ़ोतरी हो और समाज के अंदर एक जागृति खड़ी हो। इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे इस पखवाड़े हम लोग करेंगे। इसी उद्देश्य से आज बागेश्वर में मेरा आना हुआ है। ये जिला हमारा प्रभावी जिला है। इस जिले ने कुछ मूर्धन्य नेता हमको दिए हैं। हमारे दोनों विधायक आज अपने क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे विधानसभा का विषय हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में, विभिन्न प्रकार के विषय को उठाते हैं और एक अच्छे जिले के रूप में संगठन हमारा यहाँ बूथ स्तर तक है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सहयोग से लोकसभा चुनाव के अंदर हम विधानसभा पड़े हुए मतों से ज़्यादा मत हम अर्जित करेंगे, ये आह्वान लेकर मैं यहाँ के कार्यकर्ता बातचीत करूँगा। हम लोग तो हर रोज़ हर चुनौती के सामने के लिए तैयार रहते हैं। 2024 हमारा मिशन है, हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर का कार्यकर्ता इस कार्य में लगे और पुनः हैट्रिक ये हम बनाएंगे, ऐसा मैं विश्वास कह सकता हूँ। न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।